इसे विभागीय अनदेखी कहें या फिर दबंग, स्कूल संचालकों की दबंगई की अम्माने स्कूल बेरोक टोक चल रहे हैं। अम्माने स्कूल का ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के असोथर कस्बे का प्रकाश में आया, जहां एक प्लॉट पर कच्ची दीवारें उठाने के बाद स्कूल का संचालन बेरोक टोक किया जा रहा है। आलम यह है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं स्कूल में संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में हो रही बारिश के चलते जगह जगह घर गिरी के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसे में असोथर ब्लॉक के शिवाजी शिक्षा निकेतन की कच्ची दीवारें छात्र छात्राओं के लिए मौत बनकर खड़ी हुई है। स्कूल संचालक की दबंगई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल को बंद किए जाने के लिए नोटिस संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई थी, लेकिन संचालक द्वारा स्कूल वर्तमान में भी बगैर किसी रोक टोक के संचालित किया जा रहा है। स्कूल में न ही छात्र छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था है, न ही शौचालय सहित पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, जबकि स्कूल बदस्तूर जारी है। जुलाई माह में अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण के दौरान अमान्य पाए जाने पर स्कूल संचालक को नोटिस भी दी थी, लेकिन दबंग स्कूल संचालक अखिलेश सिंह का कहना है कि नोटिस मिलती रहती है। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह से अमान्य स्कूल से बाबत जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने जाँच कर कार्रवाई की जाने की बात कही है। क्यों भाई, कितने होंगे लगभग? कचाट में कितने होंगे? 8-10 कुछ होंगे। दस बारह हैं। साथ में कितने होंगे? 12 हैं। 6 में कोई है? 6 में कोई है? कितने बच्चे होंगे लगभग आपकी क्लास में? नाम है आपका? किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं? कितने तक है आपका स्कूल? किस क्लास तक कक्षाएं चलती हैं? 8वीं तक। कितने बच्चे लगभग होंगे आपके स्कूल में? 150। अच्छा, क्या आपके स्कूल की मान्यता है? फाइल पड़ी है। अच्छा, एक भी मान्यता मिली है अभी तक? कितने कमरे लगभग होंगे आपके स्कूल में? छह कमरों में कक्षा 8 तक की कक्षाएं चल जाती हैं? बच्चे ही कम आते हैं। क्या आप मिक्स करके पढ़ाते हैं, एक साथ दो दो कक्षाएं? तो क्या 6 कमरों में 8 कक्षाएं चल जाएंगी? बरामदे में आ जाएंगे। क्या बोर्ड लगे हैं स्कूल में? कहाँ लगा है? ऊपर टूट गया। क्या छतों में लगे हैं? क्या नहीं, ऊपर सरिया में लगे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर अखिलेश। अच्छा, कोई स्कूल चलाते हैं आप? सर यही है। क्या नाम है स्कूल का? शिवाजी शिक्षा निकेतन। अच्छा, कितने तक स्कूल है आपका? जी 8 तक। 8 तक जी। कितने बच्चे लगभग आपके स्कूल में? 140। कितने कमरे हैं आपके स्कूल में? सर ये 4 हैं। 8 तक स्कूल चलता है, 4 कमरों में कैसे चला लेते हैं आप? सर बगल वाले कमरे लिए हैं। अच्छा, अभी कितनी क्लास चल रही है? अभी तो 4 कितने कमरों में? 4। कितने अध्यापक आपके स्कूल में हैं? 5। क्या इससे पहले आपको स्कूल के विषय में नोटिस मिली है? जी। तो क्या कार्यवाही हुई उस नोटिस में? उसमें सर ये हुआ है कि मैंने फाइल लगा दी मान्यता की, और इसके लिए जो है दिए गए कि जब तक विद्यालय की मान्यता ना हो जाए तो आप तब तक देख रखिए। मान्यता कितने तक है आपकी? अभी तो सर नहीं, लेकिन प्रक्रिया जारी है। मान्यता कितने तक है? नहीं है सर, एक भी नहीं है। नहीं सर। स्कूल 8 तक आप चला रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? सर अखिलेश। किस गांव के हैं आप? सकंदी। 13/7/2018 को नोटिस देने के बावजूद अभी तक वो स्कूल अवैध रूप से चल रहा है, इसमें क्या कहना है? स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी असूलियों को निर्देशित किया गया है। ये थी फतेहपुर से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।